झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत। झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को मिली जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। साथ ही भाजपा द्वारा देश व प्रदेश में फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम के जाल को जनता द्वारा नकार दिया गया। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली प्रचंड जीत के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा आयोजित आतिशबाजी कार्यक्रम के दौरान कही। श्री गुर्जर ने कहा कि भाजपा देश को धर्म व छंदम राष्ट्रवाद के नाम पर बांटकर राज करना चाहती है। वर्तमान में बेरोजगारी, आर्थिक नीति, महंगाई की समस्या आम जन के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनी हुई है, जिसको हल करने में केंद्र की भाजपा सरकार नाकाम हुई। यही कारण है कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, उन्हें मात्र 6 माह में जनता ने आईना दिखाया है। हमारे वरिष्ठ नेता कांतिलाल जी भूरिया साहब को 27,856 वोटों से विजय मिली है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार कर्तव्य से अभिवादन हो, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब, हमारे बड़े भाई का नेतृत्व रहा कि विधानसभा झाबुआ में अधिक से अधिक जिस क्षेत्र हमको मिला था उसमें अधिक वोटों से वहाँ कांतिलाल जी भूरिया साहब को जीत हासिल हुई है। इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते, स्वागत करते। इस उपलक्ष्य में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के जाबाज अध्यक्ष श्री राजा जायसवाल, कांतिलाल जी भूरिया जो प्रचंड बहुमत के साथ विजय हुए, इस अवसर पर मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी वहाँ रात को 12-12 एक एक बजे तक लोगों को संबोधित करा, प्रचार करा उनके पक्ष में। जो सेक्टर हमारे विधायक जी को मिला था वो कांतिलाल जी का खुद का गृह क्षेत्र वाला सेक्टर था, वहाँ से हमेशा भाजपा लीड लेती थी, लेकिन विधायक जी ने दिन रात मेहनत करी, उस सेक्टर से भी हजारों वोटों से कांतिलाल जी जीते हैं। और मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे प्रदेश जो राजता भी हमारे महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और दूसरा हरियाणा में हुए थे, वहाँ भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। गुजरात में उपचुनाव हुए, वहाँ भी कांग्रेस जीती है। राजस्थान में उपचुनाव हुए, वहाँ भी कांग्रेस जीती है। तो निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस का राज रहेगा। और इस अवसर पर मैं सभी उन कार्यकर्ता और मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्येक रूप से कांग्रेस की मदद की है।
जय जय कमलनाथ, जय जय दिलीप दिल्ली के पर्व पे नागदा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। देखिए सामने आ गया मोदी जी का जादू खत्म हो गया, क्योंकि वो पेटी में मोदी जी का जादू भरा हुआ था। माननीय विधायक जी ने जो मेहनत करी, हमारे विधायक जी को जो नेतृत्व दिया था, मैं रात दिन नेताजी ने वहाँ मेहनत करके, और जो बीजेपी वाले जो पेपरों के माध्यम से गा रहे थे वो आपके सामने। मैं एक बात और आपको करा दूं कि आने वाले 5 साल में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आप लिख लें, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और मैं नागदा के भी जानदार शानदार मतदाता भाइयों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाला कल कांग्रेस का है, और आने वाला कल आपका मंगलमय हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। जी बुरिया झाबुआ उपचुनाव में प्रचंड मतों से जीते, यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का नतीजा है, और ये जीत भाजपा के झूठ झुमलों को जनता ने नकारा उसका परिणाम है। हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब को झाबुआ उपचुनाव के 15 पोलिंग बूथों का प्रभार मिला था, और ऐसे ही जितने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन के उनको भी लगभग 15-15 पोलिंग बूथों का प्रभार मिला। वहाँ पे कांग्रेस की जो टीम वर्क रही, टीम भावना से कांग्रेस ने काम करा, उसका नतीजा है कि कांग्रेस से कांतिलाल जी भूरिया प्रचंड मतों से जीते। भारतीय जनता पार्टी का घमंड आ रहा है, आज से 6 माह पूर्व नरेंद्र मोदी जी को प्रदेश और देश की जनता ने प्रचंड मतों से जीता कर भेजा था, लेकिन अभी 6 माह बाद जो उपचुनाव हुए, लगभग 50 से ज़्यादा जगह उपचुनाव हुए पूरे देश में, और उन 50 से ज़्यादा उपचुनाव में 40 या 42 ऐसी सीटें हैं जहाँ से भाजपा चुनाव हार चुकी है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और छंदम राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोगों को बरगलाने का, भ्रमित करने का काम इस देश में कर रही है, उसको देश की जनता नकार रही है। आज देश की जनता ये चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले, आर्थिक मंदी की जो मार, नित नए बैंकों का दिवाला निकल रहा, उससे लोगों को निजात मिले, महंगाई से निजात मिले, इन सबको भटकाने के लिए धार्मिक और छंदम राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा नेताओं द्वारा छेड़ा जाता है, जिसको उपचुनावों में देश की और प्रदेश की जनता ने नकारा है। कल तक जो उपचुनाव में ये बोलते थे कि दीपावली बाद शिवराज सिंह और भाजपा की सरकार बनेगी, आज वो मुंह छुपाते हुए बोल रहे हैं कि झाबुआ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस वहाँ से जीतने तय था, लेकिन ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत भाजपा नेताओं के साथ हो रही है। मैं इस अवसर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, और साथ ही हम संकल्प करते हैं कि आने वाले नगरपालिका चुनाव में जिस तरह भाजपा को उपचुनाव में करारी हार दी है, शिकस्त दी है, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम भावना के साथ लड़ेंगे, और नगरपालिका चुनाव में भी दिलीप सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में हम नागदा खाचरौद दोनों नगरपालिका पे विजय पताका फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, जिनके कुशल नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी जो इस बात का प्रचारित कर रही थी कि कांग्रेस की नीतियाँ फेल हो रही है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, छात्र नाराज है, उन सबको ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी, और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में आधार बिल्कुल कम हो चुका है, और ये हमारे मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर रोजगार प्रदान करने वाली जो योजनाएँ उन्होंने लागू करी, उसका असर है कि आज हमारे सूचना उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। मेरे इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करते हुए माननीय हमारे प्रत्याशी भाई कांतिलाल भूरिया जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको बधाई देता हूँ, साथ साथ उन हजारों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिनके रात दिन परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी का झूठ को आम जनता तक पहुँचाया, और कांग्रेस
पे विश्वास करे जनता है, ऐसा माहौल वहाँ पर निर्मित कर रहा और आज कांग्रेस की वहाँ ऐतिहासिक विजय हुई है। मैं अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, उन सबको बधाई देता हूँ। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जिनके कुशल नेतृत्व में यह हमने लड़ाई जीती है, एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम मेरे पार्षद साहब हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल जी भूरिया की जीत की सभी कांग्रेसजनों को बधाई शुभकामनाएं, और आप सभी जीत के जश्न में शामिल हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय कांग्रेस।